हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज मैं शेयर कर रही हूँ परी का रूटीन, फुल डे रूटीन विद मील प्लान। तो अभी हुए हैं 7:15 और परी उठ गई हैं। और सुबह ऐसे ही उठती है वो हंसते हुए। तो थोड़ी सी देर इस टाइम पे विनोद संभालते हैं क्योंकि नीरव को स्कूल के लिए रेडी कर रही होती हूँ मैं, उसका लंच वगैरह। तो अभी परी थोड़ी सी मस्ती करेगी अपने पापा के साथ। उसके बाद मैं उसको सबसे पहले देती हूँ पानी, चाहे वो एक सिप ले या दो सिप ले, लेकिन मैं ये पानी उसको सुबह उठते ही ज़रूर देती हूँ। फिर 7:30 पे परी जाती है नीरव को स्कूल छोड़ने के लिए। तो ये उसका फेवरेट काम है, जो उसको पता चल जाता है कि अब टाइम हो गया स्कूल जाने का, तो वो स्कूल छोड़ के आना नीरव को बहुत इंजॉय करती हैं। वहाँ से आने के बाद परी खाती है बिस्किट, और जैसे परी सुबह उठती है तो वो एक बार ब्रेस्ट फीड लेती हैं। उसको उठते ही ब्रेस्ट फीड चाहिए, उसके बाद ही वो अपना दिन स्टार्ट करती हैं। तो मैं सुबह उठते उसको ब्रेस्ट फीड करवाती हूँ, और उसके बाद स्कूल छोड़ के आने के बाद जब हम चाय वगैरह लेते हैं तो उस टाइम पे मैं परी को बिस्किट खिलाती हूँ। वो मैं उसको एक या दो बिस्किट ज़रूर खिलाती हूँ, वो अपने आप जितना चाहे उतना खा ले, उसके बाद मैं उसको खिलाती हूँ। तो यहाँ पे उसके बाद सुबह की टी के बाद वो करती है थोड़ा सा इन्जॉय। तो ये होता है उसका प्ले टाइम अराउंड 8:30 के अराउंड। वो थोड़ा सा खेलती है, वॉकर पर बिठा देते हैं, इधर उधर घूमती है, या फिर विनोद के साथ थोड़ी सी मस्ती कर लेती है। तो आज उसको करनी है मस्ती, और आप भी इन्जॉय कीजिएगा उसके साथ। और फ्रेंड्स, परी का जो भी रूटीन है ये थोड़ा सा 30-45 मिनट्स आगे पीछे होता रहता है, ऐसा नहीं है कि फ़िक्स है। तो आज है थर्सडे, मैं उसका थर्सडे का रूटीन दिखा रही हूँ, बस ये थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, अदरवाइज़ मोस्टली सेम ही होता है। वो डिपेंड करता है बच्चे के मूड के ऊपर। और अभी बज चुके हैं 9 और परी नहा के आ गई है विनोद के साथ। तो मैंने उसको नहाने के बाद उसको ब्रेस्ट फीड चाहिए होता है, तो मैंने उसको फीड करवाया है और उसको मैं कर दूँगी अब रेडी। और अभी 9:30 हो चुके हैं, विनोद जा चुके हैं बाहर, मतलब ऑफिस के लिए। और मैं उसको रेडी करने के बाद थोड़ा सा उसके साथ खेलूँगी ताकि वो थोड़ा सा अच्छा फील करे। जब अगर मैं उसके साथ इस टाइम पे थोड़ा खेल लेती हूँ तो वो फिर मेरे साथ, मैं उसको वॉकर में बिठा देती हूँ और वो मेरे साथ घूमती रहती है। अदरवाइज़ अगर अभी मैं उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करूँगी तो फिर वो थोड़ी सी चिड़चिड़ हो जाती है। तो उसका थोड़ा सा ध्यान भटकाना होता है कि चलो ये खेलने का टाइम है, थोड़ा सा बेड पर खेल लिए, थोड़ा सा किचन में खेल लिए, इधर उधर खेल लिए, तो मैं उसको आवाज़ लगाती रहती हूँ और वो इधर उधर घूमती रहती है। एंड आई नो कि आप लोगों का क्वेश्चन आएगा कि ध्यान रखिएगा, तो मैं सारे जो दरवाजे वगैरह हैं वो बंद करके रखती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है हार्मफुल कि जो उसके लिए रहे। और मोस्टली वो वहीं पर होती है जहाँ मैं होती हूँ। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा प्ले कर रहे हैं और आप भी देखिए वो कैसे करती है। तो अभी है टाइम ब्रेकफास्ट का, तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे सूजी और बेसन का चीला। तो मैंने सूजी और बेसन को मिला दिया है, उसमें डाल दिए हैं हल्दी और नमक, और यहाँ पे है मेरी वेजीज टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च। तो मैंने इनको बहुत ही बारीक पीस लिया है ताकि वो खाने में कुछ नखरे ना करे, और इसको इसमें मिक्स करके मैं इसको बना लूँगी। और मैंने इसको पहले भिगो करके थोड़ी देर रख दिया था, बाद में मैंने वेजिटेबल्स ऐड की है, और इस पर मैं थोड़ा सा देसी घी डाल के इसको ढक करके पकाऊँगी ताकि जो है वो जो बेसन है, बेसन और जो सूजी है वो अच्छे से पक जाए। उसके बाद हम दोनों कर रहे हैं अपना ब्रेकफास्ट को इन्जॉय, और मैं परी को थोड़ी छोटी छोटी बाइट्स तोड़ के रख देती हूँ, वो खुद ही खाती है। तो आपको ऐसे वो थोड़ा सा इन्जॉय कर लेती है, जो जितना खुद खाती है ठीक है, उसके बाद मैं उसको खिला देती हूँ तो उससे बोर भी नहीं होती। और साथ में मैं उसके थोड़े से टॉयज़ लेके बैठती हूँ ताकि जब वो अगर खाना बंद कर दे तो मैं उसको थोड़ा खेलते हुए उसको खिला दूँ ताकि उसका जो पेट है वो भर जाए। क्योंकि बच्चा एक बार आपको थोड़ा सा खाएगा फिर वो रुक जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे आप उठ जाएं ना खिलाएं, उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए तो वो खाना खा लेता है। ऐसा नहीं है कि ये प्रोसेस 5 या 7 मिनट का है, आधा घंटा भी लग जाता है, 15 मिनट भी, और फटाफट से भी हो जाता है। तो यहाँ पे परी आजकल चीला को बहुत इन्जॉय कर रही है, तो मैं बहुत सारे मतलब डिफरेंट टाइप्स के चीला बनाती हूँ। और ये देखिए दूध तो वो बिल्कुल भी नहीं पीती है, मैं थोड़ा दूध लेके बैठी थी कि वो दूध पी ले, बट वो दूध नहीं पीती है। एक आध बार ही होता है कि एक दो सिप ले ली, अदरवाइज दूध नहीं लेगी, और बाकी तो वो खुद ही खा रही है। और जितना उसने खुद खाया ठीक है, बाकी मैंने इसको खिला दिया था।
तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप सुबह इडली बना सकते हैं, ऑमलेट बना सकते हैं, या सैंडविच, या कुछ सांभर के साथ डोसा वगैरह, जो आप चाहे बनाना चाहे वो बना सकते हैं। तो मैंने आज चीला बनाना था, मैंने वही बनाया है, और मैं उसके लिए स्पेशली वही बनाती हूँ जो मैं भी खा लेती हूँ, मतलब या ये कह लीजिए जो हम खाते हैं वो परी भी खा लेती हैं। तो बट वो हेल्दी होना चाहिए, हेल्दी वे से बच्चे को सारी चीज़ें खानी चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स 11 बज गए हैं, और ये टाइम होता है परी का सोने का, ये उसका बिल्कुल टाइम फिक्स है, बट डिपेंड करता है कि वो 11 से 1 बजे तक सोती है या 1:30 तक या 12 o'clock उठ जाती है। तो आज परी 12 o'clock उठ गई थी, और यहाँ पे पड़ा हुआ है पानी, शिखा ये धो रही है यहाँ पर, तो वो यहाँ पर आ गई थी। और उठने के बाद परी को फीड करवाना पड़ता है, उसको उठने के बाद और सोने से पहले उसको फीड करना होता है। अब हो गए हैं 12:30, नीरव का एग्ज़ाम था तो नीरव भी आ गया है, और ये है परी का फ्रूट टाइम, और परी इंजॉय कर रही है अपने फ्रूट टाइम को गाना सुनते हुए, ब्लू आइज़ वाला तो ये वक्त गाना चल रहा था, और देखिए वो कितना इंजॉय करती है, म्यूजिक उसको बहुत ही पसंद है। ये देखिए ये उसका डांस होता है, और जैसे गाना रुक जाता है उसका चिल्लाना शुरू हो जाता है। तो नीरव संभाल रहा है परी को, और तब तक मैं बनाऊँगी लंच। तो ऐसे ही इंजॉय होता है, बस थोड़ा सा ये होता है कि आज उसका रूटीन चेंज है, आज वो जल्दी उठ गई थी, 12 o'clock 1 hour सोई है, अदरवाइज़ वो 1:30 तक सोती है। उसके बाद उसके साथ थोड़ा सा खेलना पड़ता है, अंगेज होना पड़ता है आपको बच्चों के साथ, तो मैं उसके साथ खेल रही हूँ। और यहाँ पर हो गया हमारा लंच रेडी, तो आज लंच थोड़ा जल्दी हो गया है क्योंकि परी भी जल्दी उठ गई, अदरवाइज़ 2:30 के अराउंड हमारा लंच होता है। और आज लंच में है दाल चावल और सैलेड, साथ में है लस्सी। तो परी पहले थोड़ा सा गिराएगी, उसके बाद खाएगी। तो यहाँ पर उसने राइस गिरा दिया है, ये चादर बिल्कुल साफ़ सुथरी होती है, ऐसा नहीं है, और थोड़ी वो जितना खुद से खाएगी ठीक है, बाकी मैं उसको साथ के साथ खिला रही हूँ। तो जो भी बच्चा करता है, जैसे करता है उसको करने दीजिए। उसके बाद सेकंड जो नैप टाइम होता है परी का, वो 3 o'clock के अराउंड होता है, ये उसका फिक्स है, 3 to 3:30 वो सो जाती है, और वो 4:30 या 5:30 तक सोती है, बट आज उसका बिल्कुल चेंज हो रखा था तो बहुत जल्दी उठ गई। और उठने के बाद वही मैंने उसको फीड करवाया है, और उसके थोड़ी देर बाद दिया है उसको फ्रूट, तो जो भी घर में अवेलेबल होता है वही मैं उसको दे देती हूँ, डिफरेंट भी होता है, या अगर नहीं होता तो मैं एप्पल ही उसको दोबारा दे देती, और वो उसको भी इंजॉय करती है। तो 2 से 3 फ्रूट मील तो आपके होने ही चाहिए। तो यहाँ पे वो इंजॉय कर रही है, यहाँ पे अनार दिया आज मैंने उसको, और वो उसको बहुत ही अच्छे से खा रही है। उसके बाद उसका टाइम होता है मालिश का, तो अभी मैंने उसकी स्टार्ट कर दी है मालिश, तो इस टाइम को भी परी बहुत इंजॉय करती है, बिल्कुल आराम से लेट के करवाती है। और उसके बाद उसको नहलाते नहीं हूँ मैं, ऐसे ही मैंने उसके कपड़े चेंज कर दिए हैं, क्योंकि अब उसको अगर बाहर जाना होगा तो बाहर चली जाएगी। और अभी टाइम है उसका इवनिंग स्नैक्स का, तो इवनिंग स्नैक्स में जैसे मैं चाय के साथ रस वगैरह लेती हूँ, वो भी मैं परी को दे देती हूँ, या ब्रेड होता है तो ब्रेड, या फिर पास्ता अगर बॉयल किया है तो सिंपल पास्ता, तो जो भी बच्चा अच्छे से इंजॉय करके खा लेते हैं वही आप दे दीजिएगा। और ये सूजी का टोस्ट है तो हार्मफुल भी नहीं है, साथ में है इसके नमकीन, क्योंकि अगर वो उसको नहीं खाएगी तो मैं उसको थोड़े से नमकीन खिला दूँगी, ये तो इसके ऑल टाइम फेवरेट है। और उसके बाद परी चली गई थी बाहर खेलने के लिए, और अभी जो टाइम हुआ है डिनर का टाइम हो गया है 8:30, और अभी खाना खा रहे हैं। तो आज डिनर में है रोटी और दाल, जो मैंने दोपहर को दाल बनाई थी वही है, तो उसके लिए कुछ स्पेशली ऐसा अलग से नहीं बनाते, जो हम खाते हैं वही वो खा लेती है, और रोटी को तो बहुत इंजॉय करके खाती है। और मैंने दी अभी लस्सी, और ऐसा कुछ नहीं कि लस्सी या दही ठंडी होती है, अभी तो टाइम भी नहीं हुआ है, तो मैं तो उसको लस्सी दे देती हूँ, क्योंकि दूध नहीं पीती है, तो लस्सी या दही भी उसका अल्टरनेट ऑप्शन अच्छा होता है, बट दही भी वो इंजॉय नहीं करती, सिर्फ लस्सी ही उसको अच्छी लगती है, तो लस्सी के साथ उसको खाना खिलाते हैं। और यहाँ पर नीरव उससे करवा रहा है नौटंकियाँ कि गुड नाइट करके दिखाओ, जय करके दिखाओ, वो सब करके दिखा रही है, और पीछे से नीरव जो भी बोल रहा है वो वही कर रही है। और ये देखिए कितना इंजॉय करते हुए खाती है, बट आज इसने बहुत ही कम खाया है, और आज बहुत जल्दी भी सो गई है, आज 9:30 सो गई है, अदरवाइज़ ये बहुत मतलब 10 to 10:30 तक सोती है। तो आई होप आप लोगों को ये रूटीन पसंद आया होगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।